वेलकम 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 गाइड वेलकम बैक टू यू वन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली माके वीडियो में आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी एंड होप आपका दिन अच्छा रहा होगा अगर आपने हमारा सेटअप फॉलो किया था जो कल हमने आपके साथ लेवल्स और ट्रेड्स डिस्कस किए थे कि आज आप कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं अगर आपने वो ट्रेड्स लिए तो जैकपॉट रिटर्न मिला होगा आपको एंड करेंटली विक्स भी लोअर लेवल्स पे तो काफ़ी फास्ट ऑप्शन के प्राइस हमें मूव करते हुए दिखते हैं तो ज़रूर अगर आपने ट्रेड लिया था तो अच्छा प्रॉफिट ही हुआ होगा आपको शॉर्ट शॉर्ट डिटेल में बात करेंगे इंटर मार्केट की भी एंड फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है काइंड ऑफ बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट मिल चुका है तो क्या हमारे फर्दर लेवल्स हैं क्या टारगेट्स हैं पोजिशनली वो भी इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है आपको फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड आपका डे कैसा रहा कौन से आपने ट्रेड्स लिए ज़रूर वो भी कमेंट्स में शेयर करें ताकि पता तो लगे जो चीज़ हम आपको इतना रिसर्च करके बता रहे हैं आप वो फॉलो करके ट्रेड ले भी रहे हो या नहीं ज़रूर कमेंट में बताएं चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्या हमने डिस्कस किया था और कैसे मार्केट ने वर्क किया और क्या आपको ट्रेड्स लेने चाहिए थे तो देखो ओपनिंग की बात करें फ्लैट ओपनिंग हुई थी ना गैप ना गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और आज तो हमें जो ट्रेड था ना वो मिलना ही था क्यों मिलना था क्योंकि कल हमने एक ही लेवल डिस्कस किया था उसके अपसाइड ब्रेकआउट पे कॉल में एंट्री थी उसके लोअर साइड ब्रेकडाउन पे पुट्स में एंट्री थी यहाँ पे हमारा जोन है ध्यान से देखिए थर्टी फाइव नाइन फोर्टी से थर्टी सिक्स थाउजेंड हमने डिस्कस किया था थर्टी फाइव नाइन फोर्टी सपोर्ट है ये सपोर्ट अगर लोअर साइड ब्रेक होगा तो पुट्स में एंट्री करनी है और थर्टी सिक्स थाउजेंड लेवल रजिस्टेंस से अगर लेवल ब्रेक होगा तो कॉल्स में एंट्री करनी है तो मार्केट सिक्सटी पॉइंट में तो रेंज में पूरा दिन निकाल नहीं सकती तो ट्रेड तो मिलना था इस जोन में ही ओपनिंग हुई ठीक है स्लाइटली अबव ओपनिंग हुई डिप आता है अब देखो लेवल्स का मैजिक डिप आता है मार्केट देखो कोई भी कैंडल क्या आपको थर्टी फाइव नाइन फोर्टी के बिलो क्लोज होती हुई दिख रही है यानी थर्टी फाइव नाइन फोर्टी लेवल मार्केट को सपोर्ट दे रहा है पुट्स की एंट्री तो नहीं मिली पुट की एंट्री कब मिलेगी जब लेवल लोअर साइड ब्रेक होगा नहीं हुआ लेवल ब्रेक मार्केट ने वहाँ सपोर्ट लिया कॉल की एंट्री कब थी थर्टी सिक्स थाउजेंड के ब्रेकआउट में अब बहुत बार आप कहते हो सर ब्रेकआउट में ही हमारा आधा प्रॉफिट चले जाता है बहुत ज्यादा मार्केट मूव कर जाती है आज देखो क्या आज आपने वो ट्रेड लिया जो ये लोग ये क्वेरी करते रहते हैं ना क्या आज आपने सिंपली ट्रेड लिया आज भी देखो वही हुआ है ब्रेकआउट थर्टी सिक्स थाउजेंड का और कंफर्मेशन कैंडल कहीं कोई डाउट है इसमें कि मार्केट ने ब्रेकआउट और कंफर्मेशन नहीं दी ये हमारा सेटअप है ना सिंपली थर्टी सिक्स थाउजेंड के ब्रेकआउट पे आपको कॉल में एंट्री करनी है ब्रेकआउट भी मिल चुका है कंफर्मेशन भी मिल चुकी है दिख रहा है आपको क्लियरली और टारगेट भी काफी बड़ा बाकी है अभी हमारे पास यहाँ से देखेंगे काफी डिसेंट टारगेट आया हमारे पास तो ये सिंपली हमने ट्रेड डिस्कस किया था और उसके बाद देखो क्या होता है एग्जैक्टली exactly। उसके बाद आपको कॉल में एंट्री करनी थी थोड़ा बहुत यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड भी किया है लेकिन फाइनली हमारा टारगेट अचीव होता है क्या टारगेट था 36,250 सिंपली टारगेट देखो सिंपल सा ट्रेड ब्रेकआउट मिला है 36,000 का कंफर्मेशन मिली है एंट्री करनी थी आपको और फिर टारगेट का वेट करना था लेकिन मैं श्योरली कह सकता हूँ 90 परसेंट लोगों ने टारगेट से पहले ये ट्रेड बुक कर लिया होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये जो थोड़ा सा मूव दिख रहा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा मूव तो दिख नहीं रहा है ये जो मूव दिख रहा है ना ऑलमोस्ट टू हंड्रेड पॉइंट्स का मूव है ये इस टू हंड्रेड पॉइंट्स के मूव में आपका कैपिटल एट्टी टू हंड्रेड परसेंट रिटर्न देता जो भी कैपिटल आपने इस ट्रेड में लगाया था मैक्सिमम लोग ट्वेंटी परसेंट थर्टी फोर्टी परसेंट में निकल जाते हैं इतना वेट नहीं करते वो हाँ दोबारा एंट्री बना के दोबारा ट्रेड ले लेंगे लेकिन उस ट्रेड को इतना होल्ड नहीं करते तो अगर आपने ये होल्ड किया होगा ऐट द मनी की बात कर रहा हूँ मैं ऐट द मनी स्ट्राइक पे भी सिंपली आपको 80 टू 100 परसेंट रिटर्न यानी ऑलमोस्ट आपका कैपिटल डबल हो चुका होगा जो आपने इस ट्रेड में इन्वेस्ट किया था अगर आपने टारगेट तक वेट किया सिंपल एंट्री थी सिंपल लॉजिक बताया था ये हमारा पोजिशनल लेवल भी है ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट में रैली आएगी एग्जैक्टली exactly वही हुआ और मॉर्निंग में आप ये ट्रेड बना के शांति से मार्केट में बैठ सकते थे क्योंकि कैपिटल डबल कर चुके हो और क्या चाहिए मार्केट से टारगेट आता है फिर उसके बाद देखो मार्केट यहाँ एक रेंज में स्टक हो जाती है थर्टी सिक्स टू फिफ्टी लेवल था देखो उसी के आसपास मार्केट पूरा टाइम स्पेंड कर रही है फिर उसी के आसपास कंटिन्यूस मार्केट वहीं टाइम स्पेंड कर रही है क्लियरली आपको दिख रहा है वहां से डिप भी आता है फिर लेवल दोबारा एज अ रेस्टेंस का वर्क करता है डे एंड में फिर डिप आता है और डे एंड में बिल्कुल क्लोजिंग भी इसी लेवल पे होती है जो हमें दिख रही है वैसे तो एवरेज क्लोजिंग थोड़ा बिलो आई है लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है फिर से ऑलमोस्ट मार्केट यहीं जाके रेजिस्टेंस फेस करती है ठीक है तो परफेक्ट सेटअप कल ही आपको बता दिया था और 36,000 के थाउजेंड अबव क्लोजिंग भी आ गई है तो जो बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस थी वो भी काइंड ऑफ ब्रेक होती हुई दिख रही है पोजिशनली तो जो निफ्टी में अभी तक था कि क्या बुलिश मार्केट रहेगी या नहीं तो वो क्लियर हो चुका है निफ्टी में बुलिश मार्केट ये हैंट्राडे मार्केट हो चुकी है सिंपली ट्रस्ट करके यूज करो यार मैजिकल ट्रेड्स और लेवल्स और एनालिसिस डेली देते हैं हम डेली सिंपल सा चार्ट दिख रहा है लेकिन इन सिंपल से चार्ट से आप कैपिटल डबल कर सकते थे अगर आपने कहीं आज भी लॉस किया है तो सिर्फ अपनी गलती से किया क्योंकि बहुत क्लियर सेटअप दिया था बहुत सिंपल और क्लियर मार्केट वीक कब होती अगर 35,940 के बिलो आ जाते तो मार्केट में फॉल देखने को मिलता लेकिन 36,000 का ब्रेकआउट मिला तो रैली देखने को मिली और एक बार कैपिटल डबल कर लिया फिर क्यों पूरा दिन ट्रेड करते रहना है यहाँ देखो मार्केट कितना टाइम और कैपिटल डबल क्यों हुआ इतने छोटे से मूव में भी क्योंकि विक्स अभी बहुत लोअर लेवल्स पे है तो ऑप्शन के प्राइजेस में ज़्यादा प्रीमियम नहीं है अभी तो ये इंट्राडे मार्केट थी अब कल का सेटअप डिस्कस कर लें ऐसे ही हो अब आपने आज प्रॉफिट बनाया होगा नहीं बनाया तो यार अब मैं क्या करूँ आप लोगों के लिए इतना परफेक्ट सेटअप एक दिन पहले ही बता देते हैं आपको चलिए कल का सेटअप देख लेते हैं ट्रस्ट करके यूज़ करो और ये सिर्फ आज की बात नहीं है मोर देन टू इयर्स हो चुके हैं हम तो डेली प्रूव कर रहे हैं अगर फिर भी आप रैंडम ट्रेड्स करोगे तो कैसे चलेगा ठीक है लेवल्स की बात करते हैं चलिए कल के लिए रजिस्टेंस 36250 पहला रेजिस्टेंस लेवल उसके बाद 36500 एंड 36700 लेवल सपोर्ट ये जोन एज अ सपोर्ट का वर्क करेगा 35940 से 36000 ठीक है इसके बिलो क्या सपोर्ट है 35750 लेवल ठीक है क्लियर लेवल्स क्लियर है अब ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं देखो थर्टी सिक्स टू फिफ्टी के आसपास ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किए मल्टीपल टाइम्स एज अ सपोर्ट का भी वर्क किया लेवल ने और डे एंड में क्लोजिंग भी इसी के आसपास आई है तो इसका अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा तो कॉल में एंट्री करेंगे टारगेट होगा थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड लेवल पहला थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड ये भी ब्रेक होता है तो ट्रेल कर लो थर्टी सिक्स सेवन हंड्रेड तक सिंपल ट्रेड क्लियर है पुट्स में एंट्री जोन क्या बन चुका है सपोर्ट जोन अगर लोअर साइड ब्रेक होगा वो कब होगा जब मार्केट थर्टी फाइव नाइन फोर्टी को लोअर साइड ब्रेक करेगी तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है टारगेट होगा थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन फिफ्टी ये क्लियर सेटअप है कल के लिए बैंक निफ्टी का सिंपली ट्रस्ट करके फॉलो करो और मैजिक देखो ठीक है अब निफ्टी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की बात हो चुकी है मैजिकल ट्रेड था निफ्टी में क्या हुआ ये देखो निफ्टी का चार्ट यहाँ भी फ्लैट ओपनिंग ठीक है यहाँ मिड में कोई ट्रेड्स नहीं थे यहाँ क्या लेवल था सिक्सटीन फोर सेवेंटी हमने कहा था ये लेवल जब लोअर साइड ब्रेक होगा तब आपको पुट्स में एंट्री करनी है कहा था बिल्कुल कहा था लेकिन कहीं ब्रेक नहीं हुआ अपसाइड रेजिस्टेंस था सिक्सटीन फाइव फिफ्टी लेवल ये लेवल अपसाइड ब्रेक होगा, तो कॉल्स में एंट्री करनी है कहा था और आज देखो ब्रेक हुआ कंफर्मेशन भी मिल चुकी है और सिर्फ पॉइंट्स के अंदर अंदर हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है और एंट्री बनाई होती तो अच्छा मूव भी देखने को मिला और दोबारा एक रिट्रेसमेंट मूव भी आया जो परफेक्ट एंट्री पॉइंट था एक्जैक्टली सिक्सटीन तक ये मूव आया और यहां से हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली टारगेट था सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड लेकिन फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट हाई क्या लगता है मार्केट में सिक्सटीन थाउजेंड फाइव नाइन्टी टू लेकिन अगर आपने ये पॉइंट्स भी कैच किए होंगे तो नाइन्टी परसेंट लोगों ने पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया होगा क्योंकि तो यहां पर भी वही हाल था इजिल फिफ्टी परसेंट रिटर्न आपका बन रहा था अगर आपने ये ट्रेड लिया था एट द मनी ऑप्शन में Easily आपका फिफ्टी परसेंट रिटर्न बन रहा था और इस ट्रेड में आप लॉस तो कर नहीं सकते ना टारगेट कितना बचा सिर्फ एट पॉइंट तो एस भी तो उसी के अकॉर्डिंग रखोगे ना एट पॉइंट का टारगेट रखा है रिवॉर्ड एट पॉइंट का रिस्क भी तो उसी के अकॉर्डिंग रखोगे या रिस्क फोर्टी रखोगे और टारगेट एट पॉइंट का रखोगे ऐसा तो नहीं चलेगा ना ठीक है तो अगर यहां से रिवर्स भी हो तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता या फिर आपने बुक कर लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने अगर इस ट्रेड में लॉस किया ना तो दोबारा एंट्री बनाई होगी मिड में पहली बार तो 90 परसेंट वही कह रहा हूँ 90 परसेंट लोग पहले ही बुक कर लेते हैं क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है 30 40 परसेंट और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है लेकिन उस प्रॉफिट से सेटिस्फैक्शन आना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तब लगता है यार इतना प्रॉफिट बहुत है लेकिन फिर जब मार्केट और थोड़ा ऊपर जाती है ना फिर लगता है यार वहाँ तक होल्ड क्यों नहीं किया वहाँ तक वेट क्यों नहीं किया मैंने तो ये प्रॉफिट मिस कर दिया यार पहले क्यों बुक किया था क्योंकि तब आप उससे सेटिस्फाइड थे तो बाद में भी सेटिस्फाइड रहो ना उसके बाद मार्केट क्या कर रही है करने दो ना कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगी ही पर आप चाहते हो जहां मैं बुक करूंगा वहीं से रिवर्स कर जाए ऐसा नहीं होता है सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है उसके बाद दोबारा हमें डिप देखने को मिलता है पहली बार टारगेट नहीं आया लेकिन प्रॉफिट तो पक्का हुआ होगा ठीक है दोबारा डिप आता है कोई ट्रेड तो है नहीं है हमने क्योंकि पुट्स में एंट्री तो इसके बिलो है सेकेंड टाइम दोबारा ब्रेकआउट मिलता है ठीक है देखो ब्रेकआउट काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट मूव फिर कंफर्मेशन और इस बार पिन पॉइंट टारगेट भी आता है लेवल प्रूव करता है कि मैं लेवल हूँ पहली बार हो सकता है मैंने एट पॉइंट से मिस कर दिया लेकिन लेवल बता रहा है देख लो सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड ऐसे ही नहीं बताया लेवल एग्जैक्टली वर्क कर रहा है सेकेंड टाइम पिन पॉइंट डे हाई सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड लगता है वहाँ से डिप भी आता है डे एंड में ये बहुत बड़ी रैली ज़रूर दिख रही है लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट एवरेज क्लोज होती है तो सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड के आसपास ही क्लोजिंग आई है बहुत हायर लेवल्स पे क्लोजिंग नहीं आई है ये जो दिख रहा है आप साइड लेवल ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोजिंग आई है तो यहाँ भी परफेक्ट ट्रेड्स थे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक तो आपको एंट्री का वेट करना है जब एंट्री मिल रही है ना तब तक आपको वेट करना है कोई ट्रेड नहीं लेना है ऐसे ही फोमों में ट्रेड नहीं लेना है कि मेरे से मिस हो जाएगा मार्केट का मूव नहीं वेट करो सेटअप पे जब मार्केट आए तब आपको एंट्री बनानी है और फिर अपना ट्रेड देखो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट ही मिलेगा अगर आप एक सेटअप को फॉलो करो रैंडम जंप करते रहोगे ना अजम्शंस में यार वहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉफिट भी होगा लेकिन लॉस ज़्यादा होगा निफ्टी की इंट्राडे मार्केट थी फिर से एक पॉजिटिव मार्केट देखने को मिली है सिक्सटीन का ब्रेकआउट कन्फर्म हो चुका है सिक्सटीन का ब्रेकआउट कन्फर्म हो चुका है तो अब हमारा टारगेट क्या है पोजिशनली 16,800 और ये बन जाता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां तक कोई भी डिप मिलेगा आपको बाय करना है कॉल्स में एंट्री करनी है पोजिशनली अब हमारा टारगेट है 16,800 लेवल पोजिशनल बता रहा हूं इंट्रोड लेवल्स और ट्रेड्स भी बताऊंगा लेकिन पोजिशनली तो ब्रॉड व्यू पॉइंट भी तो पता रहना चाहिए आपको बोले शाम मार्केट में कोई भी डिप आए स्पेशली सिक्सटीन तक बाय करो कॉल्स में एंट्री करो टारगेट है अब हमारा मार्केट में सिक्सटीन लेवल क्लियर पोजिशनली होप आपको क्लियर होगा सेटअप अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं ये तो पोजिशनली बता दिया इंट्राडे क्या लेवल्स हैं कैसे ट्रेड्स बनाने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं तो इमीडिएट लेवल है सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड अगर इसके अबव ओपनिंग होती है तो एज अ सपोर्ट का वर्क करेगा ये लेवल उसके बिलो सिक्सटीन फाइव फिफ्टी एंड सिक्सटीन फोर सेवेंटी और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अब ये सपोर्ट जोन सिक्सटीन फोर हंड्रेड से फोर ट्वेंटी यहाँ तक कोई भी डिप मिलेगा आपको बाय करना है कॉल्स में एंट्री करनी है सिंपल क्लियर है अपसाइड लेवल्स क्या है सिक्सटीन सिक्स फिफ्टी एंड सिक्सटीन थाउजेंड सेवन ट्वेंटी लेवल ये अपसाइड के फर्दर लेवल्स हैं अब ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं तो देखो टॉप कहाँ लगा था पहली बार यहाँ पे सिक्सटी सिक्स हंड्रेड पर क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास आई है लास्ट हाफ एन आवर में एवरेज क्लोज होती है मार्केट इसी के आसपास ही क्लोजिंग है तो अगर कल भी मार्केट सिक्सटी सिक्स हंड्रेड के अबव जाती है ब्रेकआउट मिलता है कॉल्स में एंट्री करो टारगेट 16650 और इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 16720 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये फर्दर रैली कंटिन्यू रहेगी अगर मार्केट 16600 के अबव सस्टेन करती है ठीक है 16600 के अबव मार्केट में आपको कॉल्स में एंट्री करनी है फर्दर लेवल्स आपके टारगेट्स होंगे लोअर साइड पुट्स में एंट्री कब करें तो देखो सिक्सटीन ने मार्केट को सपोर्ट तो दिया है यहाँ भी देखो काफ़ी टाइम वर्क किया है तो 16,550 अगर लोअर साइड ब्रेक होगा तो इंट्रा आप पुट्स में एंट्री कर सकते हैं सिक्सटीन आपका टारगेट होगा उसके बाद नेक्स्ट लेवल मैक्सिमम सिक्सटीन फोर हंड्रेड तक आप डिपा सकता है मार्केट में वो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा अगर सिक्सटीन फोर सेवेंटी किसी सिनेरियो में ब्रेक होता है लेकिन अगर सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड ब्रेक हो तो भी कॉल में एंट्री सिक्सटीन सिक्स फिफ्टी अगर गैप अब ओपनिंग हो सिक्सटीन सिक्स फिफ्टी भी ब्रेक हो तो भी कॉल में एंट्री क्लियरली समझ आ चुका है कहीं कोई डाउट है इसमें होना नहीं चाहिए यार बहुत सिंपली एक्सप्लेन करते हैं डेली और इसके साथ साथ सुपर ट्रेंड और यूज़ करो जहाँ समझना आए कन्फ्यूज हो सुपर ट्रेंड यूज कर लो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कैसा आपका ओवरऑल दिन रहा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड गिव अवे चल रहा है करेंटली वन लैक का पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे ब्रोकर के आज के वडियो इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर